आगे जाए, पिता जी का सिंहासन भी जाए। बोले भारत माता की, भुरकुंडा की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। मंत्री बाद में हूँ, पहले तो मामा हूँ। मामा मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, जब जनता को जरूरत पड़ी और उनसे कोई सहयोग मांगा तो कभी उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। जनता की जिंदगी में रोशनी लाने वाले हमारे उम्मीदवार रोशनलाल चौधरी जी, जिसने तिवारी जी विधानसभा के प्रभारी, रमन अग्रवाल जी हमारे पूर्व विधायक और बड़े नेता, छोटे नेता नहीं हो हम, आपसे छोटे हैं आप, हम जो सीनियर हो, आदरणीय लोकनाथ महतो जी, राधेश्याम जी, प्रीतम साहू जी, विजय साहू जी, सतीश मोहन जी हमारे इस सभा के अध्यक्ष, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, आप सबको जोहार, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आप भांजे जी, ये तो प्रेम के संबंध है। मामा का मतलब होता है जिसके मन में अपने भांजे भांजियों के दो दो माँ का प्यार हो, वो मामा। और आज यहां आया हूं इस संकल्प के साथ आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार यहां की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर भी बदलेगी। मैं जब आया तो मैंने देखा है क्या धान की शानदार फसल चारों तरफ लहरा रही, क्या किसान कौन कौन है जरा हाथ उठाओ, किसान जो खेती करते हैं, किसान भाइयों, आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मामा ये वचन देने आया है कि आपने धान पैदा किए, आपकी धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदी जाएगी एक एक दाना। बोलो किसान को दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कभी दिया क्या हेमंत सोरेन ने? इतना बड़ा झूठा मैंने संसार में दूसरा नहीं देखा। पहले कहा था कितने के भाव खरीदेंगे, लोकनाथ जी क्या कहा था 2500, कांग्रेस कहती थी 2700, या राहुल गांधी भी आए थे। अब वो धान की बात करते हैं जिनको ये पता नहीं धान की बात कैसे लगती कैसे लगती। आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना। अब वो बात कर रहे हैं, ये फूट डालो और राज करो वाली पार्टी है राहुल गांधी की, जिसने मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान खोल के रखी है। ये देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, ये विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं, यहां कुछ कहते हैं, अमेरिका में जाके कहते हैं मौका आने पर हमारा खेल खत्म कर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, ये फूट डालो राज करो से सावधान रहना पड़ेगा, अंग्रेजों की नीति। और इसलिए मैं कह रहा हूं हमको बचना नहीं है, हमको जुड़ना है, जुड़ोगे तो जीतोगे। आज आकर की माटी संकट में है, झारखंड की धरती पर लगातार विदेशी घुसपैठ आ रहे, बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे,
रोशन जी कह रहे थे रामनवमी के जुलूस पे तो पथराव होता है और केस भी उन्हीं के खिलाफ बनते हैं, लेकिन विदेशी बांग्लादेशियों का यहाँ लाल कालीन बिछा के स्वागत किया जाता। आओ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वोटर लिस्ट में उनका नाम लिखवाते, उनके राशन कार्ड बनवाते, आधार कार्ड में उनका नाम जोड़ा जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो इनके वोट बैंक है। वोट देंगे तो वोट के बदले चाहे देश को लूट लो, झारखंड को लूट लो। गुरखंडा के बैनर भाइयों मुझे बताना अपना देश जैसे कि धर्मशाला है, जिसकी मर्जी वो कहीं से गुजरा रहने लगे। आज मैं कहने आया हूं जगजाओ झारखंड वालों, ये धरती संकट में है, अगर 5 साल ये और आ गए तो कई जगह अल्पसंख्यक रह जाओगे, घुसपैठिए बहुसंख्यक हो जाएंगे, और कई जगहों की हाल है। भारतीय जनता पार्टी का, आजसू का, हमारे गठबंधन का साफ कहना है, जितने विदेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी आए हैं चुन चुन के बाहर निकाल दिए जाएंगे, उस धरती पर रहने नहीं दिए जाएंगे। बोलो निकालना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो निकालना चाहिए कि नहीं। इस धरती को भयमुक्त करेंगे, घुसपैठिया मुक्त करेंगे। आज धरती संकट में, सरकार के कर हमारी माटी संकट में, ये घुसपैठिए बेटियों को भ्रमजाल को फैलाते, फंसाते, फिर उनके साथ शादी करते, उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है, पंचायत के चुनाव लड़े जाते। झारखंड वालों सावधान, आज भी नहीं चेते तो कहीं पे नहीं रहोगे, कहीं पे नहीं रहोगे। चील कौवे की तरह नोच नोच के भारत को, झारखंड को खा रहे हैं। उसके आज मैं आह्वान करने आया हूं, शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिखो, माता खड़ी पुकारती, आज भारत में पुकार रही है कि बचाओ झारखंड। जाने दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने। मेरे बहनों और भाइयों, बड़े बड़े वादे, बहनों ने कहा कि 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे हर महीना। 5 साल पहले कहा था मेरी बहनों 2000 रुपया महीना मिला क्या चूल्हा खर्च? अरे बोल के बताओ मिला क्या? मिला नहीं दिया। 4 साल 10 महीना निकल गए, लेकिन जब 2 महीना बच गए तब हेमंत सोरेन आए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो, टुकड़े डालने आए, हटता 2000 का, दिए 2 महीने के लिए 1000। मेरी बहनों बताओ, अगर 5 साल तक 2000 रुपया महीना मिलते तो कितने पैसा मिलते? 1,20,000 रुपया मिलते। भाग गया, राज आ गया। 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 ले लो। मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। लाडली बहना योजना मैंने बनाई थी। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ देख के, दुख देख के, गरीब बहना को अगर जरूरत पड़ जाए 1000 रुपए की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाती है। कई जगह हाथ फैलाओ तो भी पैसा नहीं देते। सावन के महीने में माए के जाना हो, भैया के बेटा बेटी कहेंगे भूरा जी आइए हमारे लिए क्या लाई है, और पैसा नहीं होते तो माए के नहीं जाते। मेरे मन में ये बात आई कि क्यों मैंने हाथ फैलाए, क्यों मैंने आंसू बहाए, क्यों मैंने दूसरों पर निर्भर रहे।
अरे हर एक बहन का अपना खाता होना चाहिए और उस खाते में हर महीने पैसा आना चाहिए ताकि जब चाहे बहने बैंक जाए अपना पैसा निकाले और अपने पैसे से अपने काम चलाए, स्वाभिमान के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में बनी, उसने पूरे टाइम ये चलाए, दो महीना मैया सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है, छत्तीसगढ़ में हम पैसा दे रहे हैं, उड़ीसा में हम पैसा दे रहे हैं, महाराष्ट्र में बहनों के खाते में पैसे आ रहे, मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में पैसा आ रहे। बड़कागांव और भूरगंडा की बहनों, रोशन लाल चौधरी जी को जिताइए, सरकार बनते ही आपके खाते में 2100 रुपया महीना सटासट आएंगे, चिंता मत। हम जो कहते हैं वो करते हैं, कितने रुपए आएंगे बताओ। अरे बहनों जोर से बोलो, धरती आसमान सब सुन ले, ये प्रलय भाजपा का कितने आएंगे? 2100 आएंगे। और तारीख भी बता रहे हैं, हम झूठे नहीं है कि 5 साल तक गई नहीं, 4 साल 10 महीना और आखिर में गए। सरकार बनते ही उसी महीने से नवंबर में बनाओ, दिसंबर में पाओ, और हर महीने की कौन सी तारीख को? सब जोर से बोलो, क्योंकि ये प्राण है हमारा, धरती आसमान पेड़ पौधों पशु पक्षियों सब सुनो, हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आएगा, हर महीने 2100 रुपया मिलना। बोलवाना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों तुम तो बताओ, आना चाहिए कि नहीं? वो झूठे, लेकिन रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये खड़े भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा गठबंधन। और इतने नहीं बहनों, गैस सिलेंडर भी हमारी देखा देखी कहने लगे, हम भी इतने में देंगे, अब तक क्या कहते, अब तक क्या कर रहे थे? गैस सिलेंडर 500 रुपया में और त्योहार पे 2 गैस सिलेंडर फ्री में, ताकि बहने ढंग से अपना त्योहार बनाए। और मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ, मोदी जी के आशीर्वाद, मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, मैं उस विभाग का मंत्री हूँ। ऐसे बहन और भाई हाथ उठाओ जिनके कच्चे मकान है, हाथ उठाओ जो कच्चे घर पर रहते हैं, कई बहने मेरी कच्चे घर पर रहते हैं, तो बताओ सबके पास पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं? बहनों जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हेमंत सोरेन ने मकान दिए क्या? आज मामा कहने आया है, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं ही मंत्री हूँ विभाग का, रोशन जी मंडल अध्यक्ष, लोकनाथ जी सब सूची बनाओ, कौन कौन कच्चे मकान में रहते हैं, ये भाजपा का प्रण है, हर एक को पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे, कोई कच्चे घर में नहीं रहे, कोई कच्चे घर में नहीं रहे। 2 करोड़ रोशन जी हमने कैबिनेट से स्वीकृत किए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, 21 साल झारखंड में देंगे, घबराने मत, कम पड़े तो होते हैं, मामा तो है, क्या चिंता करना, हर एक को पक्का मकान, और पक्के मकान में पानी की लाइन भी, पाइप लाइन। ये तो इतना बड़ा बेईमान है हेमंत सोरेन और कांग्रेस, मोदी जी ने पैसा भेजे प्रधानमंत्री जी ने, घरों में पाइप लाइन बिठा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, जल जीवन मिशन। भूरखंडा वाले तो जल जीवन मिशन के पैसे खा गए, 5000 करोड़ भेजे थे मोदी, वही पैसा खा गए, केवल मकान नहीं, जल जीवन मिशन का काम
डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी। घर में पाइपलाइन बिठा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे ताकि बहने पानी भरने के लिए उनको भटकना ना पड़े। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। और बताओ यार बालू मिलती है क्या? इधर से बोलो ना मिलती है क्या? इधर भी बताओ मिलती है क्या? बालू कौन बेच रहा है? जोर से बोलो कौन बेच रहा है? ये हम नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। विधायक सत्तारूढ़ पार्टी नेता ये बालू बेच बेच के खा रहे हैं। यहाँ बालू नहीं मिल रही, हमारी बालू बांग्लादेश जा रही है। एक तो ये बालू बेचने वाले, अरे केवल बालू नहीं बेचते, ये तो कोयला गिट्टी पत्थर गरीबों का राशन भी खा जाते। ये बेईमान लोग, दो चीजें सुन लो, एक तो जिन जिन ने जनता का धन खाया पेट फाड़ के पैसा वापस निकाला जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा सुन लो, मामा कहते जा रहा है सरकार आने दो, जनता को मकान बनाने बालू फ्री कर दी जाएगी। बोलो बालू फ्री में मिलना चाहिए कि नहीं? ये हेमंत सोरेन ने बालू बनाई है क्या? ये राहुल गांधी ने बालू बनाई है? ये अम्बा ने बालू बनाई है? बालू में तो नहीं, भगवान ने सबके लिए दिए। राम की चिड़ैया है, राम को खेत हावड़ी चिड़ैया है, भर भर पे जितनी जरूरत पड़े ले जाओ। एनडीए की सरकार करेगी। और मेरे भाग्य भांजियों, तुम्हें भी बहुत बर्बाद किया है इसने, नौकरी पे तरसा दिया रे भाग्य भांजियों। कहा था 5 लाख रोजगार, कसम खा खा के कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी। तुम्हें बच्चे बेचारे दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हवाई नौकरी हवाई नौकरी हवाई नौकरी। बोलो मिली क्या किसी को नौकरी? नौकरी के अच्छे पते नहीं है। 4 साल 10 महीना नौकरी नहीं, 2 महीना चुनाव के आए तो बोले आ जाओ दौड़ो, आ जाओ दौड़ो, आ जाओ दौड़ो। और नौकरी के लिए दौड़ाया अभी तो मौत की दौड़ दौड़ा दिया, मौत की दौड़। नौकरी नहीं मिली, जिंदगी चली गई, 19 बच्चे मर गए मेरे बहन। अभी भी जब पेपर लीक, पेपर लीक कौन करता है? 25-25 लाख रुपया लेकर पेपर लीक किया गया है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया गया है। पेपर लीक की भी जांच करवाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, चिंता मत कर। रोजगार के नाम पर ठगने वाले मेरे बच्चों, भाजपा जो कहती वो करती है। और से हमारा संकल्प है, पहली कैबिनेट की बैठक में रोजगार 2,87,000 सरकारी रिक्त पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और हम उसे घोषित करेंगे कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएंगे और कब नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, स्वरोजगार भी देंगे। और बीएससी भी काम करने वालों, एमएससी और काम करने वालों, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने किया है सरकार तो रोजगार ही मिल जाता। माँ बाप पेट काट काट के पढ़ाते हैं, कम मिलेगी नौकरी। लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिल जाता 2 साल तक इन बच्चों को 2,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, बेटा होता है बेटी को। बोलो देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो ताकि बच्चे दर दर की ठोकरें ना खाए, रोजगार ढूंढ पाए। और इसके साथ ही यहाँ के जितने भी ये कोयलांचल है, कोयलांचल में स्थानीय नौजवानों को रोजगार देने का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, चिंता मत कर। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिंदगी बदलने का अभियान,
सत्य में आज आपसे निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस केएमएम आरजेडी ये घुसपैठियों की पार्टी है। केएमएम के झंडा घुसपैठिए लगा रहे और हम साफ कह रहे हैं बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, इनको तो बाहर निकालेंगे खदेड़ेंगे हम। ये उनके झंडे लगा। मेरे बहनों और भाइयों अपने प्रिय को बचाना है, बच्चों के भविष्य को बेहतर करना है। सहारा इंडिया में कौन कौन ने पैसा लगा दे रहा हाथ उठाओ। सहारा वाले सुन लो, ध्यान से सुन लो, सहारा में जिस जिसने पैसा लगाए एक एक पाइप वापिस करवाई जाएगी, चिंता मत करना। आपकी भलाई आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा, वो पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूं, 5 साल में जिसने बर्बाद किया झारखंड ने को, बताओ उसको फिर वोट दोगे क्या? अच्छा चुनाव कौन लड़ रहा है? पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बेटी जी। वैसे कांग्रेस तो देख लो, पंडित जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी और दर्जे में शिबु सोरेन जी, हेमंत सोरेन, आप तो उनकी पत्नी भी डर रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, झारखंड वालों, भूरकुंडा वालों, बड़कागांव वालों, क्या ये एक ही परिवार राज करेगा? और कोई पैदा नहीं हुआ क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कोई पैदा नहीं हुआ क्या? ये वंशवाद नहीं चलेगा। ये झारखंड को लूट खंड नहीं बनने देंगे। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, इस बार चूक ना हो जाए। रोशन लाल चौधरी विकास की रोशनी है, विकास का प्रकाश है। ये अपने लिए नहीं जनता के लिए जीते, ये दिन और रात आपकी सेवा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार या बीजेपी आज शुरू, लोक जनशक्ति पार्टी जदयू और वहां मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, वो दिल्ली से पैसा भेजेंगे, रोशनलाल जी रांची से लाएंगे और बोनस में मामा भी मिलेगा, मैं भी कसर थोड़ी छोड़ूंगा। आप सबसे मेरी अपील है, कमल के फूल के बटन दबाए, रोशनलाल चौधरी को अपना विधायक बनाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी पर विश्वास करें और विकास की गारंटी नरेंद्र मोदी जी को सौंप जाए। बोलिए सब तैयार है? बोल के बताएं सब तैयार है? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, रोशनलाल चौधरी को विधायक बनाएंगे। तो आइए आज हम सब संकल्प लेंगे, हम भी वोट देंगे और बच्चे 2-3 दिन में हर घर जाएंगे, हर बार खटखटाएंगे और बाकी सबसे भी कहेंगे आओ अपने लिए भाजपा को जिताओ, कमल के फूल की बटन दबाओ। तैयार है? तो मेरे साथ संकल्प लेंगे आज इस कोयला अंचल में, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, इधर वाले भी और इधर वाले भी और सड़क वाले भी, और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, रोशनलाल को विधायक बनाने का, कमल के फूल के बटन दबाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की। अच्छा सब खड़े होके संकल्प लो ना, बैठो, संकल्प खड़े होके हो जाए, कोई नहीं बैठेगा, रोशनलाल नहीं, हम सब खड़े। उठाइए दोनों, भागे दोनों उठी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरा।
बहुत बहुत धन्यवाद।